पिछले चार चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे, दूसरा फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया, ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में है, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं? ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है, और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।